पुलवामा आतंकवादी हमले को लेकर पत्रकारों ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। पुलवामा में आतंकवादी हमले को लेकर आज मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से पत्रकारों ने एकजुट होकर डीएम को ज्ञापन सौंपा और हमले में मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए रोष व्यक्त किया। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकवादी हमले से पूरे देश में गुस्सा है। देश का हर इंसान इस हमले के दोषियों को कठोर सजा दिलाने का इच्छुक है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग इस हमले पर बयानबाजी कर राजनीति कर रहे हैं। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है और सभी पत्रकारों ने इस आतंकवादी हमले की शीघ्र अतिशीघ्र निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। के पत्रकारों ने कश्मीर में के पुलवामा में हुई फौजियों की शहादत पर गम का इजहार करते हुए एक अर्दाश्त जिला मजिस्ट्रेट को दी है, जिसमें इस वारदात को इंतहाई शर्मनाक बताया गया है, क्योंकि जो फौजी हमारे शहीद हुए हैं उनका कोई नेमल बदल नहीं हो सकता। इस तरह की वारदातों से हर शख्स, खास तौर से हम रामपुर की बात करें तो 27 लाख की आबादी में कोई भी ऐसा नहीं है जो गमजदा ना हो। हालांकि इससे पहले नक्सलियों ने भी 78 लोगों को मारा था, लेकिन ये जो 44 लोगों की शहादत पुलवामा में हुई है ये एक बहुत बड़ी साजिश का नतीजा है। और इसमें जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी ये एतराफ़ किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही से ये वारदात हुई, क्योंकि वहाँ जो गाड़ी खड़ी हुई थी बारूद से भरी हुई उसको चेक ही नहीं किया गया, जबकि फौजियों का काफिला उधर से गुजरना था। इसलिए कोई ऐसा जासूस वहाँ मौजूद है जिसने उसको मिनट टू मिनट इत्तला दी, और ये खुदकुश धमाका जो फिदायीन हमला कहलाता है ये वहाँ अमल में आया। हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, और ऐसे लोगों को फांसी नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा कोई इबरतनाक सज़ा दी जाती चाहिए।